नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर शहर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र पुलिस ने ट्रक की बैटरी चुराने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया है एवं उनके पास से चोरी की बैटरियां भी जब्त की हैं। दरअसल इंदौर शहर के हाईवे स्थित तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में एक गैंग सक्रिय है जो खड़े ट्रकों की बैटरियों को चुरा कर उन्हें बेच देती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ा है जिनके पास से 14 से अधिक बैटरियां बरामद हुई हैं जिनकी कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। हालांकि पुलिस द्वारा बदमाशों से पूछताछ की जा रही है कि इनके गिरोह में और कितने सदस्य हैं और बैटरी चुराकर ये किन किन लोगों को बेचते थे, उनके खिलाफ भी पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। ये थाना प्रभारी तेजाजीनगर के द्वारा अपनी टीम के साथ कार्रवाई करते हुए एक वाहन को पकड़ा था जो कि महिंद्रा पिकअप है, जिसमें कि संभावना थी कि इसमें चोरी का सामान हो सकता है। चूंकि पिछले कई दिनों से जो खड़े ट्रकों की जो बैटरियां थी वो खोलकर लेके ऐसी घटनाएं हुई थी जिसमें बैटरियां चोरी गई थी जो ट्रक है उनकी, तो उसमें लगातार टीम के द्वारा सतत पेट्रोलिंग करते हुए और मुख्य की सूचना के आधार पर उनके द्वारा एक महिंद्रा पिकअप को पकड़ा, घेराबंदी करके, तो उसमें जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें 15 बैटरियां निकली हैं जो कि अलग अलग ट्रकों से चुराई गई थी और उसमें FIR भी रजिस्टर्ड है। तो उन तीन आरोपी पकड़े गए जिसमें तीनों ही आरोपी खजराना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं, उन पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। बैटरियों की कीमत 10 लाख से ऊपर की कीमत, इन्वेस्टिगेशन में इनसे भी पूछताछ की जा रही, पूछताछ के आधार पर यह खुलासा होगा। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।